हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये वंस अगेन हम लोग कहीं जा रहे हैं, साड़ी पहन है, मतलब समझ लो रिलेटिव के यहाँ जा रहे हैं, और पूजा है और बर्थडे सेलिब्रेशन है, पार्टी है। सो इस रिलेटेड हम लोग जा रहे थे अपने भाभी के यहाँ पे, जो यहीं पे रहती हैं, रीना भाभी, यहाँ पे वहीं पे जा रहे थे। आप लोगों को तो पता ही होगा, मैंने बहुत सारी वीडियोज़ डाली हैं उनके घर की और बहुत सारी चीज़ें डाली हैं। यहाँ पे पूजा की तैयारी हो रही थी, पंडित जी आए थे, सब कुछ देख रहे थे, तैयारी वैयारी कर रहे थे, बाकी सब लोग भी आ रहे थे धीरे धीरे। हम लोग पहुँच चुके थे, हम लोग करेक्ट टाइम पर पहुँच गए थे। और मैं थोड़ी सी डेकोरेशंस की वीडियो शूट करी थी, मतलब यहाँ पे डेकोरेशन के इतने अच्छे सामान रखे हुए ना, बड़े अच्छा लगता है देखने में। और फिर यहाँ पे पूजा ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गई थी, पूजा स्टार्ट हो गई थी कम से कम मुझे तो 3:30 बजे पूजा स्टार्ट हुई थी, और इतने लोग आ चुके थे, बाकी लोग भी आ रहे थे धीरे धीरे। खाना वाना का सबको प्रोग्राम था यहाँ पर, और बर्थडे का सेलिब्रेशन भी था, पूजा के बाद से बर्थडे का सेलिब्रेशन था। तो और ये बाबू है जिसका बर्थडे था, और ये हो चुका है 1 साल का, इसी की वजह से ये जो प्रोग्राम थे सारे आज के रखे हुए थे। सो आज का दिन मतलब समझ लो बहुत ही अच्छा था, सब लोग से मिलना हुआ, जिससे मैं शादी में मिली थी उससे भी मिलना हुआ, ऐसा आता है, सबसे मिलना भी हो जाता है और फंक्शंस भी हो जाते हैं अच्छी तरीके से, पूजा पाठ भी हो जाता है। मतलब एक बोले ना, इसका साइंटिफिक अगर रीज़न बोला जाए तो यही रीज़न होता है कि पूजा रखो तो सब रिलेटिव्स को बुलाओ, रिलेटिव्स आएंगे, उनसे मिलना होगा, सो एक अलग ही माहौल बन जाता है, अलग ही वातावरण हो जाता है। सो अच्छी तरीके से पूजा हो चुकी थी, इतने सारे लोग आ चुके थे, मतलब सभी लोग आ गए थे एट द एंड। सो बहुत ही अच्छा लगा, यहाँ कलर पार्टी बेडरूम में थी और हॉल में ही हमारी हो रही थी पूजा। ये लोग का अलग ही पूजा, आइए ना भगवान को योग आइए और योग आइए। बोले आज के आनंद की जय, एक बार भगवान की शुक्रिया अदा कर दो, हाथ उठा। यहाँ पे ये बैलून ला रहे हैं, ये है बर्थडे बॉय, बर्थडे बॉय रो रहा है। हेलो गाइस, पूजा पाठ तो हो चुका है, दोपहर का सिस्टम था पूजा पाठ का, और अब है मेकअप यानी कि बर्थडे सेलिब्रेशन, तो उसकी तैयारी हो रही है जोरों शोरों से। ये है इनके छोटे से भाई का बर्थडे है आज, जो है आज 1 साल के हुए हैं, और यहाँ पे सब कुछ रेडी हो चुका है। सब लोग यहीं पे थे लेडीज़ लोग, बट यहीं पे मम्मी भाभी का भी घर है, तो सब लोग ने सोचा थोड़ा सा घूम लेते हैं, और यहाँ पे भाभी नाच रही थी, मतलब नाचने का मन ना बोलूँ मेरा भी बहुत था, अच्छे अच्छे गाने लगते हैं सब, मतलब ऐसा थोड़ा सा कंपनी मिलता तो मज़ा आता है नाचने को, और बहुत ही ज़्यादा मन था मेरा नाचने का, डीजे पर डांस करने का, मस्त स्पीकर लगा हुआ था, बड़ा ही मज़ा आया। फर्स्ट टाइम नहीं, इन द सेंस बोलूँ तो बहुत दिनों बाद इसे डीजे वाला सॉन्ग सुनने मिला और मतलब इन्जॉय करने मिला थोड़ा बहुत,
डांस करो तो फिर पूरा एंजॉय होता है। सो ऐसे सिचुएशन ही नहीं हो पाई कि डांस करे, मैं थोड़ी फिर भी अपने में खुश थी। सब बेचारे थक गए, पूजा कर रहे थे सुबह से। ये सभी लोग थक गए हैं। 2 बजे से पूजा हो रही थी, बेचारे लोग 2 बजे से कंटिन्यूस बैठे हैं। और देखो आप, ये हमारी मम्मी है, ये मम्मी की फ्रेंड है, मम्मी की फ्रेंड है, हमारी मामी जी है जो हंसती नहीं है, गुस्से में रहती है, ये सामने आंटी जी है, ये आंटी जी है, आंटी जी स्माइल, पीछे चाची है, ये बाल सही कर रही है, चाची है, टू मच बिजी। अरे ए हीरोइन तो इधर है। आफ्टर सो लॉन्ग टाइम सब मिल रहे हैं। मामी जी स्माइल। हमारी मामी है। आज का इंसिडेंट मैं बताती हूँ। आज की जो वीडियो बन रही है खासकर मामी के ऊपर मैं डालूंगी, और टाइटल रहेगा मामी हुई पूजा में लेट। पूजा थी 2 बजे की, मामी आई 5 बजे। अब बताओ आप, 5 बजे, 5:30 बताओ आप क्या कर रही थी 3 घंटे से? क्या कर रहे थे? हाँ, सोच समझ के बोलना, वीडियो में डालूंगी। सब लोग आए हैं, 2 बजे के आए थे। आप लेट क्यों आई, आप लेट क्यों आई, और आप क्यों लेट आए, आप तो छोड़ो जाने दो। अरे अंकल जी, थोड़ा हमारा इंतजार करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। मैं तो इंतजार कर लूंगी, लेकिन जहाँ बोलो बोलो बोलो, अरे इस लड़की को मैंने कब से, मतलब जब से शादी हुई तब से मिली हूँ, लेकिन आज ये लड़की मुझसे खुल के बात की है। तारीफ कर रही हूँ, भाग्य रही है। सो यहाँ पे हो गया सेलिब्रेशन कंप्लीट, और ये है बात का सीन। इसके बाद हम लोग खाना वाना खाए, फिर 11 बजे तक हमें, 11 बज गए हमें घर पहुँचते पहुँचते, और यहाँ पे मैं पहुँच, और यहाँ पे पहुँच गए हम घर। इसके बीच का मैंने सीन नहीं दिखाया बिकॉज ऑफ मूड ही नहीं हुआ। मतलब जाते हैं ना तो इतना अच्छा लगता है, और आते टाइम इतना हालत ख़राब हो जाता है। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कर दे। बाय, टेक केयर।